नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन 100 से 80 के बीच की गति में बोला जाएगा, जिससे आप अपनी गति को फ्लक्चुएट करके उसे लिखने में आपको सहायता प्राप्त होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 2 सेकंड बाद। हालांकि यह निर्देश दिल्ली और उसके एक मोहल्ले में चल रही कोचिंग को लेकर है, लेकिन पूरे देश में कोचिंग का धंधा जिस तरह से चलता है, उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश एक नज़ीर बन सकता है। अदालत ने कहा है कि गैरकानूनी कोचिंग के खिलाफ सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि ये संस्थान सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, कोई सामाजिक कल्याण का काम नहीं। अदालत ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा है कि ये संस्थान व्यापार करने के अलावा शिक्षा में अपना कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहे। यह निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया। इस याचिका में शहर के मुखर्जी नगर के इलाके में चल रहे कोचिंग संस्थानों को बगैर पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के चलने देने पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने याचिका की इस बात को भी काफ़ी गंभीरता से लिया है कि इन कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। दूसरी तरफ उन्हें विद्युत के जितने लोट की इजाज़त है, वे उससे कहीं ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद विद्युत वितरण कंपनियां उन पर कोई कार्रवाई। मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों का जो हाल है, तकरीबन देश के सभी शहरों में देखने को मिल सकता है। लगभग एक महीने पहले गुजरात के सूरत के एक कोचिंग संस्थान में लगी आग से 20 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी। वैसे सुरक्षा का यह मामला सिर्फ कोचिंग संस्थानों और स्कूलों आदि के लिए ही नहीं, जीवन के लगभग हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। बाजार, मकान, दुकान, कारखानों, वर्कशॉप, होटल, रेस्तरां और ढाबों तक में आम तौर पर सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता, ना इनमें आग लगने पर उसे बुझाने की आपात व्यवस्था होती है और ना ही पर्याप्त आपातकालीन रास्ते होते हैं, जिनसे अग्निकांड की स्थिति में लोग बाहर निकल सकें। महानगरों और बड़े शहरों में इसे लेकर पिछले कुछ समय से सख्ती हो रही है, तो इसके नाम पर कुछ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, पर छोटे शहरों और कस्बों आदि में इसे प्राथमिकता नहीं बनाया जा सकता है। विकास और बदलाव के साथ ही जिस तरह से सुरक्षा को आदत और संस्कृति का हिस्सा बन जाना चाहिए था, वह काम हमारे देश में नहीं हो सका है। जो कुछ हो रहा है, उसका कारण भी महज कानूनी शक्ति ही है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।